मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से आईटी ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको चीजल के बारे में पढ़ेंगे कि चीजल होता क्या है। ठीक है, चीजल होता क्या है, चीजल का भिन्न भिन्न एंगल आपको किस प्रकार से होता है और कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको चीजल के टाइप्स जानेंगे कि चीजल आपको कोल्ड सेट चीजल एंड हॉट सेट चीजल। ठीक है, कोल्ड सेट चीजल एंड हॉट सेट चीजल, जिसमें आपको कोल्ड सेट चीजल के टाइप्स जो होते हैं, जो व्हाट्सएप में जो प्रयोग होते हैं चीएल, उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। उसको बाद यह जानेंगे कि आपको मटेरियल के अनुसार आपको जो चीएल के जो इंक्लिड एंगल जो होते हैं, वह इंक्लिड एंगल कितना होता है, वह कितना कितना होता है, उस सभी के बारे में जानेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इसको बारीकी से समझेंगे। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि आपको चीजल क्या है। ठीक है, चीजल क्या है, तो चीजल एक कटिंग टूल्स है। चीजल एक कटिंग टूल्स है जो इसके द्वारा जो होते हैं चीजल के द्वारा जो होते हैं, जो आपको जैसे हेक्सा फाइल का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जहां आपको हेक्सा और फाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहां आपको चीजल का प्रयोग करते हैं। चीजल एक चिपिंग क्रिया करता है, जो आपको किसी मशीन पार्ट को छिलाई करके उसके जो अवशेष जो उसमें मटेरियल होते हैं, जो चिप्स होते हैं, उसको हटाकर और सेप में लाया जाता है। ठीक है, चीजल के द्वारा आपको किसी भी तार को आपको काटा जाता है, या फ्लैट सीट को काटा जाता है, या एज को काटा जाता है, उसको रड को काटा जाता है, तो इस सभी को आपको क्या है, चीजल का द्वारा काम में आपको लाया जाता है। ठीक है, चीजल कौन से धातु की बनी होती है, तो चीजल आपको हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनी होती है। ठीक है, तो चीजल के बारे में आप समझे कि चीजल होता क्या है। ठीक है, देखिए, चीजल के जो टाइप्स होते हैं वह आप जान लेंगे कि चीजल जो होते हैं कोल्ड सेट चीजल एंड हॉट सेट चीजल होते हैं। कोल्ड सेट चीजल एंड हॉट सेट चीजल होते हैं, जिसमें आपको कोल्ड सेट चीजल क्या है उसके बारे में आप समझिए। देखिए, कोल्ड सेट चीजल जो होते हैं वह आपको ठंडे हालत में किसी वस्तु किसी भी मशीन पार्ट को आपको काट कर उसको हटाते हैं, या आपको छिलाई करके हटाते हैं। जैसे कि आपको कोल्ड सेट चीजल में, जैसे कि आपको सरिये रड, या आपको वायर, या आपको फ्लैट सीट इत्यादि जो मशीन को होते हैं, वह आपको काट के हटाया जाता है, या कीवे है ना, या कीवे या इत्यादि आपको ग्रुप जो होते हैं, आयल ग्रुप होते हैं, इत्यादि को काटने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है। आपको कोल्ड सेट चीजल का जो कोल्ड सेट चीजल जो आपको मुख्यतः आपको 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको नेक्स्ट है कि आपको हॉट सेट चीजल के बारे में आप समझिए कि हॉट सेट चीजल होता क्या है। ठीक है, तो हॉट सेट चीजल जो होते हैं कि आप गर्म धातु पे आपको कटिंग करने के लिए, मेटल को कटिंग करने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है, जो हॉट सेट चीजल होते हैं। ऐसे कोल्ड सेट चीजल आपको हार्ड एंड टेम्पर किया होता है, लेकिन हॉट चीजल हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया होता है। कोल्ड सेट चीजल आपको हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया क्या होता है, जो हीट ट्रीटमेंट में की जाती है, और हॉट सेट चीजल जो होता है हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया नहीं की होती है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि हॉट सेट चीजल जो होता है गर्म धातु पे इसका कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह हार्ड एंड टेम्पर नहीं होते हैं। हॉट सेट चीजल, कोल्ड सेट चीजल हार्ड एंड टेम्पर होते हैं, और यह आपको ठंडी हालत में धातु पे कटिंग प्रक्रिया की जाती है। जो व्हाट्सएप में उपयोग होने वाले जो चीजल होते हैं, वो हॉट सेट चीजल के ही टाइप्स होते हैं, जो व्हाट्सएप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ जो देख रहे हैं कि फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, राउंड नो चीजल, साइड कट चीजल, काउ माउथ चीजल, वेब चीजल, ये सभी जो है आपको कोल्ड सेट चीजल के ही टाइप्स है, जो यह सभी आपको व्हाट्सएप में प्रयोग होते हैं चीजल। ठीक है, तो यह आपको क्या है कि आपको कोल्ड सेट चीजल का टाइप्स है। उसको बाद हम लोग समझेंगे, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह आपको एंगल के बारे में हम लोग समझ लेंगे कि एंगल क्या होता है। जब हम लोग, यह क्या है, मेटल है, यह आपको वर्क पीस है, यह ठीक है, यह वर्क पीस है, तो इस वर्क पीस में गौर करेंगे, वर्क पीस है, तो इस वर्क पीस में यह वर्क पीस है और यह चीजल है। ठीक है, और यह चीजल है, और चीजल को कटिंग की प्रक्रिया आपको शुरू करके यह चित्र आपको बनाया गया है। ठीक है, इस चित्र में आप यह देखेंगे कि यह चित्र में जो क्लीयरेंस एंगल है,
ठीक है, इंक्लिनेड एंगल है जो क्लियरेंस एंगल, पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ पॉइंट एंगल है, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पॉइंट एंगल जो बन रहा है यह पॉइंट एंगल है। उसको बाद यह समझेंगे कि पॉइंट एंगल के बाद आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो धातु जितना आपको हटता है, कटिंग करके आपको छिलाई करके हटाया जा रहा है, उसको आप रैक एंगल, इसको है रैक एंगल उसको बोलते हैं। उसको बाद यह पॉइंट एंगल है, यहाँ से यहाँ आपको जो है ना एंगल जो जितना बन रहा है अग्र भाग को, यह पॉइंट एंगल है। और उसको बाद यहाँ जो देख रहे हैं कि जितना धातु कटते हुए जो साइड का जो बीच भाग यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, एक क्लियरेंस एंगल है। और यहाँ जो है ना आपको चिजल का एक्सिस जो लाइन होता है वहाँ से और यहाँ जितना धातु को हटाया जाता है वह जो एंगल होता है वह आपको झुकाव एंगल कहलाता है या इंक्लिनेड एंगल कहलाता है। देखिए इसमें एंगल में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंगल कितना कितना होता है वह आपको बहुत ही माने रखता है और ऐसे एग्जामों में भी आता है। जैसे कि आप यहां ध्यान देंगे कि यह रैक एंगल कितना डिग्री होता है, ठीक है, तो रैक एंगल आपको पता होना चाहिए कि 20 डिग्री रैक एंगल होता है, 20 डिग्री आपको रैक एंगल होता है, जो 20 डिग्री आपको रखा जाता है 20 डिग्री। उसको बाद है कि आपको पॉइंट एंगल जो आप देख रहे हैं कि पॉइंट एंगल यहाँ से यहाँ जो आपको 60 डिग्री, या यह कह सकते हैं कि आपको 35 डिग्री से आपको 35 डिग्री से 70 डिग्री यह रखा जाता है, 35 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पॉइंट एंगल रखा जाता है। उसको बाद आपको पता होना चाहिए कि यह जो इंक्लिनेड एंगल जो है वह लगभग 40 डिग्री तक रखा जाता है, जो 22 डिग्री से आपको 40 डिग्री तक यह आपको रखा जाता है, 22 डिग्री से आपको 40 डिग्री तक आपको रखा जाता है इंक्लिनेड एंगल। तो इस प्रकार से जो एंगल जो आप देखें, इस एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखता है। जो रैक एंगल आपको 20 डिग्री, पॉइंट एंगल आपको 35 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होता है, क्लियरेंस एंगल जो आपको 10 डिग्री होता है, क्लियरेंस एंगल जो होता है आपको 10 डिग्री होता है, और इंक्लिनेड एंगल जो होता है, झुकाव कोण जो होता है, आपको 22 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है, जो मटेरियल के अनुसार आपको रखा जाता है, जो मेटल के अनुसार आपको रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि चिजल का किस प्रकार से आपको एंगल होता है, और यह आपको जब वर्क होता है तो कौन कौन से एंगल आपको बनता है। चलिए तो इस तरह से आपको देख लिए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आपको मटेरियल के अनुसार नोट किए हुए हैं, इसको गौर करेंगे कि मटेरियल के अनुसार एंगल जो होते हैं इंक्लिनेड एंगल वह कितना कितना होता है मटेरियल के अनुसार। तो आप देखेंगे कि आपको हाई कार्बन स्टील में जो एंगल जो 39.5 डिग्री होता है, जो हार्ड मेटल में आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको इंक्लिनेड एंगल होता है, ठीक है, उसमें अब जैसे जैसे आपको उसको कमते जाता है, सॉफ्टनेस आते जाता है, वैसे वैसे आपको कमते जाता है। जैसे कास्ट आयरन में 37 डिग्री, माइल्ड स्टील में 34.5 डिग्री, कॉपर में आपको 29.5 डिग्री, और ब्रास में आपको 32 डिग्री, और एल्युमिनियम में आपको 22 डिग्री। तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं कि आपको क्या है, यह इंक्लिनेड एंगल है, झुकाव कोण है, और धातु के अनुसार सभी अलग अलग आपको रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इंक्लिनेड एंगल मटेरियल के अनुसार कितना कितना होता है, एंगल जो इम्पोर्टेंट कौन कौन होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में, जो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ देख लीजिए कि मशरूम हेड चिजल, ठीक है, मशरूम हेड चिजल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मशरूम हेड चिजल के बारे में हम लोग समझेंगे कि होता क्या है, कि जब आपको हैमर द्वारा स्ट्राइक जब किया जाता है, और जब चिजल के द्वारा आपको किसी भी फ्लैट सीट या आपको वायर या आपको सरिये रड को ये काटा जाता है, तो उस क्रम में उसके हेड पे एक मशरूम की तरह छाता हो जाता है, छत्ता टाइप का आपको हो जाता है, जिसको कहते हैं कि मशरूम उसको बोलते हैं, ठीक है। और उस वह जो होते हैं जो मशरूम हेड जो चिजल होते हैं उसका सलाह दी जाती है कि उसका प्रयोग नहीं करें, नहीं तो उसके जो कॉनिकल पॉइंट है वह आपको कट उसमें हैमरिंग से जब हैमरिंग प्रक्रिया करेंगे, जब हैमर से स्ट्राइक करेंगे, तो उस क्रम में आपको हाथों में लग सकता है या आँखों में पड़ सकता है और आपको दुर्घटना हो सकता है। तो मशरूम हेड चिजल जो होता है उसके हेड जो होते हैं मशरूम की आकृति, गोबर छत्ता की आकृति लिया हुआ आपको आकृति बना होता है, तो वैसे आपको चिजल को बोलते हैं कि मशरूम हेड चिजल है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में समझ गए। अब है कि हार्ड एंड टेम्पर
क्या होता है, हम जब अभी जो अभी बताए हैं कि इसमें कोल्ड सेट चीजल में क्या होता है, हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया क्या होता है। तो कोल्ड सेट चीजल में हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया के बारे में, यह क्या है, एक फोर्जिंग प्रक्रिया होता है, एक हीट एंड ट्रीटमेंट प्रक्रिया है जो कोल्ड हार्ड एंड टेम्पर, जैसे कटिंग टूल्स में हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया की जाती है, जो हाई कार्बन स्टील या हाई स्टील के जो बने हुए जो कटिंग टूल्स होते हैं उसमें आपको हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया किया होता है, जैसे कि आपको चीजल में भी किया होता है जो हाई कार्बन स्टील के यह बने होते हैं। तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं जिसमें कार्बन की परसेंटता आपको पता है कि 0.7% से 1.5% तक आपको होता है, या आपको 0.7% से 0.9% तक कार्बन की परसेंटता आप इसमें होता है, ठीक है, जिसका हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया किया जाता है। तो हार्ड एंड प्रक्रिया क्या है इसके बारे में समझ लीजिए, कटिंग टूल्स को, किसी भी कटिंग टूल्स के जब उसको पीट पीट का आवश्यक शक्ल में ले आते हैं और जब उसके जब कूलिंग प्रक्रिया करते हैं, क्विंचिंग प्रक्रिया करते हैं, तो उसके अग्र भाग को थोड़ा सा डुबोते हैं आपको पानी में या जल में, और उसको बाद फिर उसको निकाल कर फिर वायुमंडल में रखते हैं, और उस कटिंग टूल्स पर एक रंगीन परत चढ़ जाता है। जब रंगीन परत चढ़ जाता है तो फिर उसको दोबारा उस पानी में डुबो देते हैं, तो देखते हैं कि उसमें एक डुबोने के बाद पूरी तरह से उसको ठंडा होने देते हैं, तो इस तरह से उसमें आपको कार्बन एक्टिव हो जाता है। कार्बन उसमें आपको ऐसे उसमें तो होता ही प्रचुर मात्रा में कार्बन, और वह प्रक्रिया जो हो जाता है हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया हो जाता है। तो हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया जब हो जाता है तो पूरे आप आंतरिक भाग और बाहरी भाग दोनों आपको क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया कहते हैं, और यह कटिंग टूल्स में की जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग समझे कि हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया क्या होता है, और उसको बाद हम लोग समझे कि इसे अब हम लोग समझते हैं कि इसके जो वर्कशॉप में जो प्रयोग होने वाले जो चीजल होते हैं, जो कोल्ड सेट चीजल के टाइप्स होते हैं, वह क्या है और कौन कौन से आकृति में होते हैं। जैसे अभी जो देखें कि सभी जो सात आकृति या सात प्रकार के होते हैं, जिसमें फ्लैट एज चीजल में जो आपको ध्यान देना है कि फ्लैट एज चीजल जो होते हैं उसमें जो होते हैं कि उसका यूज कहाँ करते हैं, तो वायर जो होते हैं तार को काटने के लिए, या कह सकते हैं कि फ्लैट सीट को काटने के लिए, या आपको रड को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो आकृति जो होते हैं, जो अंग्रेजी कैरेक्टर भी आकृति में, या आपको इसके एज बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्लैट एज चीजल का प्रयोग करते हैं। अब उसी प्रकार से यह इसके बारे में समझते हैं कि क्रॉस कट चीजल के बारे में, तो क्रॉस कट चीजल का जो प्रयोग होते हैं, जो की वे आपको बनाने के लिए इसका प्रयोग कहते हैं, जो चाबी घाट या स्लॉट को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या आपको रेक्टेंगल एंड फ्लैट ग्रुप को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टेंगल जो आयताकार ग्रुप, या आपको फ्लैट ग्रुप को बनाने के लिए, आपको चौरस ग्रुप को बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस चीजल को, क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम आपको होता है, इसमें कैप चीजल इसको बोलते हैं, क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम आपको कैप चीजल भी कहा जाता है, ठीक है। उसको बाद हम लोग समझेंगे कि यह जो चीजल जो होते हैं, यहाँ ध्यान देंगे कि क्रॉस कट चीजल में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो क्या है कि इसकी जो कटिंग एज की जो चौड़ाई है इसमें 4 mm से 12 mm होता है, और इसका फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री रखा जाता है, फोर्जिंग एंगल और कटिंग एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। जो फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री और आपको कटिंग एंगल जो 60 डिग्री आपको रखा जाता है इस क्रॉस कट चीजल का, ठीक है। तो क्रॉस कट चीजल के बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका भी शेप जो होता है भी आकृति में आपको बने होते हैं, इसका शेप जो आकृति जो होते हैं, इसका कटिंग जो चौड़ाई है, कटिंग एज की चौड़ाई है वह 6 mm से 16 mm होते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एज की चौड़ाई जो होता है जो 6 mm से आपको होते हैं, 6 mm से आपको 16 mm होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कटिंग एज की जो आपको डायमंड पॉइंट चीजल का आपको जो होते हैं 6 mm से आपको 16 mm, ठीक है, 6 mm से आपको 16 mm होते हैं इसका डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एज की चौड़ाई। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका जो यूज जो होता है, जो इसका शेप जो होता है भी आकृति में इसका शेप बना होता है इसका कटिंग एज का, और यह जो होते हैं कि शेप जो होते हैं कि ग्रूव
और ग्रुप के कॉर्नर बनाने के लिए जो इसको कह सकते हैं भी ग्रुप के कॉर्नर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भी ग्रुप को कॉर्नर बनाने के लिए आपको डायमंड पॉइंट कटिंग डायमंड पॉइंट चिजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं राउंड नोट चिजल, ठीक है। राउंड नोट चिजल क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए कि राउंड नोट चिजल होता क्या है। तो राउंड नोट चिजल के बारे में आप समझिए कि क्या होता है। तो इसका जो कटिंग एज जो होते हैं वह आपको राउंड में होते हैं, कटिंग एज जो गोलाई में बने होते हैं, और इसका कटिंग एंगल जो होते हैं 35 डिग्री से 45 डिग्री होता है, ठीक है। इसका जो यूज जो होता है, जो इसका उपयोग जो होता है, आपको आयल ग्रुप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो राउंड नोट चिजल का प्रयोग आपको किया जाता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग हुआ जो आपको आयल ग्रुप को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको साइड कटिंग एज, साइड कट चिजल, ठीक है। साइड कट चिजल का प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में आप समझिए। तो साइड कट चिजल जो होते हैं, जो इसका शेप जो होते हैं, जो फ्लैट एज चिजल की तरह ही होता है, इसका शेप जो आकृति जो बना होता है वह फ्लैट एज चिजल के ही तरह होता है। लेकिन इसका उपयोग जो होते हैं, जो इसका एंगल जो बने होते हैं, जो फोर्जिंग एंगल जो होते हैं वह 25 डिग्री और कटिंग एंगल जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं। और इसका प्रयोग जो होते हैं जो कीवे बनाने के लिए या आपको बड़ेकार ग्रुप बनाने के लिए या स्क्वायर ग्रुप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसको बाद हम लोग समझेंगे कि आपको काउ माउथ चियल, ठीक है, काउ माउथ चियल के बारे में हम लोग समझेंगे काउ माउथ चियल क्या होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको इसका जो प्रयोग जो करते हैं कि सीट को गोलाई में काटने के लिए या आपको राउंड सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काउ माउथ चिजल आपको गाय की मुंह की आकृति की लिया होता गोलाई में आपको उसके बने होते हैं उसका एज, जो इसी के वजह से आपको इसके यूज जो होता है, जो उपयोग जो होता है, जो सीट की गोलाई में काटने के लिए या आपको राउंड सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको काउ माउथ चिजल के बारे में आप जान गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आपको वेब चिजल के बारे में आप समझ लीजिए कि वेब चिजल क्या होता है। तो वेब चिजल जो होता है, जो इसका जो प्रयोग जो किया जाता है वेब चिजल का, वह आपको चेन ड्रिलिंग जो होते हैं उसमें आपको रैप मटेरियल को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं और रैप मटेरियल जो बचते हैं उसको हटाने के लिए आपको वेब चिजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको सभी जितने चिजल के जो टाइप्स हैं, जो कोल्ड सेट चिजल के जो टाइप्स आते हैं, जो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाले जो चिजल होते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह समझ गए। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।